तो ले चलते हैं आपको सवाई माधोपुर की ओर, जहां अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सुनाई सजा। सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पाक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए हनुहत्या निवासी मीठालाल मीणा व हनुमतपुरा निवासी कालूराम मीणा को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 65,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को अंधधाराओं में भी दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों द्वारा 24 अक्टूबर 2020 को नाबालिग का अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना को लेकर नाबालिग के पिता द्वारा बोली थाने में आरोपी के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। सजा है 24/10/20 थाना मोहल्ले की घटना है, जिसमें जो आरोपी है मीठालाल मीणा निवासी अनुत्या और महेंद्र कालूराम मीणा निवासी हनुमतपुरा, इन दोनों ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आज इनको न्यायालय ने दोष सिद्ध मान करके 363 IPC के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये का अर्थदंड, 366A IPC के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदंड व 5G/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। कुल मिलाकर के 65,000 रुपये जुर्माना व 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित।